आप देख रहे हैं मेरे चैनल को विद मोनिका। दोस्तों आज मैं स्पेशल लंच बना रही हूँ क्योंकि कुछ लाइट खाया हमने, जैसे मैंने पहले वीडियो शेयर किया था ना सिंपल लंच रूटीन का, आपको अच्छा लगा। तो आज छुट्टी वाला दिन हो तो कुछ स्पेशल लंच बनना चाहिए ना, जब हम लाइट कुछ नाश्ता कर लें, हल्के हल्के सैंडविच खा लें, तो दोपहर में कुछ अच्छा खाने का मन करता है। कुछ लोग नॉनवेज बनाते हैं और वेज में वो दाल रोटी छुट्टी वाले दिन खासतौर से नहीं अच्छी लगती। तो मैंने क्या तैयारी की है चलिए आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने ना चने उबाले हुए हैं, तो अभी हम इनको तड़का लगाएंगे। तो बढ़िया से हम भटूरे चने बनाएंगे। और साथ में देखिए भटूरे बनाने के लिए ये डिब्बी देख रहे हैं आप, डिब्बी में मैंने ना यीस्ट रखा हुआ है फर्मेंट होने के लिए। तो हल्की हल्की झाग आई है, पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, ड्राई यीस्ट लिया था उसे मैंने थोड़ा सा वार्म पानी और थोड़ी सी चीनी डालकर मैंने रख दिया, तो हल्की हल्की झाग आ रही है। तो अब मैं इसी से आटा गूंथ लेती हूँ, देखते हैं आप, क्योंकि देर बहुत हो रही है, इससे आटा गूंथ लूँगी। थोड़ी देर धूप में रखाऊंगी आटा ढककर, थोड़ा सा मुझे लगता है उससे फूल जाएगा। तो अभी सबसे पहले मैं भटूरे के लिए आटा गूंदना बताती हूँ आपको, चलो मैं दिखाऊँ। तो चलिए हम आटा गूंद रहे हैं। तो मैंने आटा, क्योंकि हमने बनाने हैं भटूरे, तो भटूरे हम मैदे से बनाएंगे, तो मैं डायरेक्टली डिब्बे में से ही डाल लेती हूँ अंदाजे से। जब मैं घर पर ऐसे खाना बनाती हूँ तो अंदाजे से ही लेती हूँ। भटूरे के लिए मुझे लग रहा है इतना मैदा बहुत रहेगा, और थोड़ी सी सूजी, अरे सूजी नहीं है ये, तो मैं मक्के का आटा ले आई हूँ, एक मिनट रुकते हैं, सूजी लेके आती हूँ। फाइनली ले आई हूँ, एक्चुअली मैंने डिब्बा बदल लिया था ना, नया डिब्बा है उसमें डाली है। तो सूजी मैं थोड़ी सी ले रही हूँ, और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। फीके भटूरे तो कोई नहीं खाएगा, नमक रख देते हैं ऊपर, और थोड़ा सा ना मैं तेल भी डालती हूँ आटे में हल्का सा। और ये हमारा दही है, ये ठंडा नहीं होना चाहिए फ्रिज वाला, जब आप भटूरे बना रहे हैं ना दही डाल रहे हैं, तो फ्रिज वाला ठंडा दही ना लीजिए, उसको आप थोड़ा सा बाहर रखिए। अभी गर्म तो नहीं है, मतलब रूम टेम्परेचर वाला दही डाला है मैंने, अंदाजे से डाला एक कप। और ये हमारा यीस्ट जो हमने रखा था ये डाल देते हैं। अब पता नहीं भटूरे कैसे बनेंगे, क्योंकि अच्छे से फर्मेंट नहीं हुआ है कुछ भी, यीस्ट मुझे लग रहा है इतने अच्छे से राइज नहीं हुआ, पर फिर भी कुछ तो बनेगा। अब इसे गूंद लेते हैं। अब नहीं, आटा हमने दही से और जो यीस्ट वाला पानी था उससे लगाया, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है ना, क्योंकि इतना सारा दही नहीं डालेंगे हम, तो भटूरे बनेंगे नहीं सही, दही ज़्यादा डालेंगे। अब हम पानी से, आप पानी गुनगुना ले सकते हैं, थोड़ा सा पानी मैं डालूंगी, ये वैसे गुनगुना नहीं किया, आजकल गर्म पानी हो जाता है ना नलके वाला ही, वही है। इससे आप बहुत ढीला मत गूंदिए, कुछ लोग भटूरे का आटा बहुत ढीला गूंदते हैं, आप एकदम से ढीला गूंदेंगे ना तो फिर ये, इसको अभी हम रखेंगे एक घंटे के लिए, तो क्या होगा फिर ये बहुत ही पतला हो जाएगा, फिर हमसे मैनेज नहीं होता है। तो आप इसको नॉर्मल गूंदिए, ज़्यादा कसा हुआ नहीं गूंदिए और ढीला भी ना गूंदिए। अब मैं इसको मल नहीं रही हूँ, मैं मलूंगी जब जब ये पूरा से, इसको एक घंटा रेस्ट कराती हूँ। अब मैं इसे एक बर्तन में डाल देती हूँ। अब ना इसे मैं एकदम से ढक के रख दूंगी आटे को, जिससे क्या है इसको हवा नहीं लगेगी ना, और ये बड़े अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। अब मैंने इसमें कोई ऐसे बेकिंग पाउडर या सोडा तो नहीं डाला, खाली यीस्ट से ही गूंदा है, और गर्मी बहुत पड़ती है तो आटा ऐसे भी रखा रखा नॉर्मल आटा भी खमीरा हो जाता है, तो ये तो भटूरे के लिए हमने खमीर वाला आटा वैसे ही गूंदा है, तो होपफुली बहुत अच्छे से खमीर उठ जाएगा। तो मैं इसको गर्म जगह पे रख देती हूँ अभी किसी, तो इसको तो हम एक तरफ रखते हैं, अब हम छोले की तैयारी करेंगे। देखिए आटा तो मैंने रख दिया है ढक के, वो तो फर्मेंट हो रहा है, मैं सोचूँ जल्दी वाले छोले बनाती हूँ, क्योंकि मैं छुट्टी होती है ना तो मेरा दिल नहीं करता टमाटर पीसो ये करो वो करो, छोले मेरे छोले की रेसिपीज जो है आपको मेरे चैनल पर बहुत मिलेंगी। लेकिन हर बार जब मैं घर पर छोले बनाती हूँ कुछ अलग तरीके से शॉर्टकट मेथड से बनाती हूँ, कि मैं छोले मसाला डाल देती हूँ, वैसे मैं छोले मसाला पसंद नहीं करती डालना, घर पर ही बनाती हूँ। तो अभी भी जो छोले बना रही हूँ मैं शॉर्टकट मेथड से बना रही हूँ, और बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं इस मेथड से छोले। आपने क्या करना है, कोई छोले मसाला नहीं चाहिए, देखिए धनिया पाउडर है, तो ये मैंने कढ़ाई देख रहे हैं गैस जल रही है, और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला तेल वगैरह, इसमें मैंने डाल दिया धनिया पाउडर है ना, बिल्कुल आपको काले भटूरे वाले छोले चाहिए तो ये आमचूर पाउडर डाल देते हैं, इसको थोड़ा हम भूनेंगे, दो चम्मच मैंने भर के डाल दिया। चटपटे छोले होते हैं तभी सब खाते हैं, ऐसे कोई खाता नहीं ना। और मैं इसमें डालूंगी, ये है हमारा, नहीं नहीं अभी इसी को भूनते हैं,
इसका थोड़ा रंग बदलने देते हैं, इसका थोड़ा रंग हम डार्क करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ी सी इसमें अजवाइन भी डाल रही हूँ, देखिए अजवाइन जरूर डालें छोले बनाए ना। और ये देखिए लाल मिर्च डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब ये सब धुआं उठने लगा है, इसको हम भुनने देते हैं। अब देखिए चने का जो है रंग बदलने लगा है मसाले का, ये हमारे बस ये हमने और कुछ नहीं डालना है, शॉर्टकट छोले बना रही हूँ ना मैं, तो इसमें मैंने कुछ नहीं डालना और, ठीक है ठीक है। तो इसमें मैं तेल डाल रही हूँ, और मैंने पहले मसाले सूखे भुने हैं ताकि उनका रंग काला हो जाए, जलाना नहीं है सिर्फ ब्राउन करना है। अब ये जो रंग है ना ये छोले में आएगा, ये बड़ी सीक्रेट रेसिपी है, मैं आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। वैसे इसकी डिटेल रेसिपी जो मैंने नाना जी का सीक्रेट छोले रेसिपी है ना वो मैंने शेयर की हुई है, रावल पिंडी वाले छोले। इसमें मैंने काला नमक डाला है थोड़ा सा, कितना अच्छा रंग आ गया है इसमें, है ना। अब थोड़े से मैं इसमें लंबे कटे प्याज डाल दूंगी, थोड़े से बिल्कुल, प्याज से मज़ा आ जाएगा। और इनको कच्चा ही रखना है, इनको ज़्यादा नहीं पकाना, जब हम चने डालेंगे ना फिर डाल देंगे। अब मैं इसमें चने भी डाल दूंगी, बस 2 मिनट प्याज पका लूँ, ज़्यादा नहीं। तो देखिए अब प्याज हमारे कुक हो गए हैं, इसमें चने डाल देते हैं। अब देखिए मैंने कोई रंग नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, ये सिर्फ भुने मसालों का ही रंग आया है। और अभी जैसे जैसे छोले पकते जाएंगे इनका रंग और अच्छा होता जाएगा। और क्योंकि छोले पकाते टाइम मैंने बीच में नमक डाला था उबालते टाइम, तो मैं अब नमक डाल रही हूँ, कम डाल रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कीजिए, मिक्स कीजिए। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, चने कितने इजीली बना लिए, 2 मसाले डाले हैं, छोले बन गए बाजार वाले। अभी मसालों का टेस्ट अच्छे से आ जाए तो इसको थोड़ा ढक के रख देते हैं 5-7 मिनट के लिए। थोड़ा पानी डाल सकते हैं अगर आपको लग रहा है चिपक जाएंगे, ढक के अब इसे 5 मिनट छोड़ दीजिए। आटा जब हम गूंथते हैं भटूरे का तो कम से कम 1-1.5 घंटा उसे फर्मेंट होने देना चाहिए, लेकिन अभी घर पर सब चला रहे हैं, भूख लगी है, तो मैंने सिर्फ 30 मिनट्स के लिए रखे हैं। 30 मिनट इतना सफिशियंट नहीं है, थोड़ा ज़्यादा रखेंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि यीस्ट भी मेरा ज़्यादा अच्छे से फर्मेंटेड नहीं था। तो अब इसे थोड़ा समय गूंथ देती हूँ और फिर इसके भटूरे तलेंगे, तो देखते हैं भटूरे कैसे बनेंगे, क्योंकि इंस्टेंट मैंने फटाफट से आटा गूंदा है, अब देखते हैं शायद अच्छे बनेंगे या कैसे बनते हैं। थोड़ा सा तेल लगाकर हम भटूरे को बेल लेते हैं, पेड़ा ले लीजिए जैसे पूड़ी के लिए लेते हैं, वैसा नहीं लेना, मोटा लेना है थोड़ा, भटूरे मोटे फ्लफी अच्छे लगते हैं, पतला बनाएंगे तो क्रिस्पी सा हो जाएगा, तो थोड़ा मोटा आटा लेंगे मोटी। ये मैं छोटे छोटे भटूरे बना रही हूँ क्योंकि घर में बना रही हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं छोटे भटूरे बना रही हूँ, मैंने कढ़ाई भी छोटी ली है। मैं भटूरे तलूंगी, देखिए थोड़ा मैंने बलून शेप में बना लिया है, लंबाई में भटूरे अच्छे लगते हैं बच्चों को, थोड़ा शेप भी देखते हैं ना अच्छी लगती है, छोटे छोटे क्यूट भटूरे। गर्मा गर्म तेल में तलेंगे, अब तेल गर्म हो रहा है, अच्छे से गर्म तेल होना चाहिए भटूरा तलते हैं, तो गर्म तेल में आंच को कम कीजिए। अब भटूरा हम डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। अब आटा तो इतने अच्छे से फर्मेंट नहीं हुआ था, खमीर नहीं उठा आटे में अच्छे से, पर भी होपफुली देखते हैं पूरी जो है भटूरा हम बना रहे हैं फूलेगा कि नहीं फूलेगा, फूलेगा तो बच्चे खाएंगे, नहीं फूलेगा तो कहेंगे दोबारा बनाओ, क्योंकि बच्चे भटूरा फूलता है तभी मज़े से खाते हैं। और भगवान की कृपा से देखिए फूल, ये जो हमारा भटूरा है फूलने लगा है अच्छे से, थोड़ा सा क्योंकि गर्मी का टाइम है, उन्हें आटे को ढककर थोड़ी देर धूप में रखा था, हल्का सा फर्मेंट हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन बन रहा है भटूरा, फूल रहा है हल्का हल्का, देखिए तो ये तो बन के रेडी हो रहा है। फटाफट से भटूरा फ्राई कीजिए और इसे अब्सॉर्बिंग पेपर पर निकालिए, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट हमारा भटूरा बनकर रेडी हो गया। और ये चने भी देखिए कितने बढ़िया बने हैं, बिल्कुल जैसे हमें भटूरे के साथ चने चाहिए होते बना लिए, और कितनी शॉर्टकट और इंस्टेंट रेसिपी थी ये। सब चीज़ें तैयार, तो गर्मा गर्म भटूरे बनाते हैं और सर्व करते हैं छोलों के साथ, साथ में थोड़ा प्याज हो तो मज़ा आ जाता है, हरी मिर्च हो, अचार भी ले सकते हैं, वैसे चटपटे चने हैं। और मैं जब भी छोले भटूरे खाती हूँ दही हो तो और मज़ा आ जाता है। ये सिंपल सी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी उम्मीद करती हूँ। आप भी कभी ये चने जो मैं आपसे शेयर की रेसिपी आप ज़रूर बनाकर बताइएगा, और आपको अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी हाँ, मैं चाहती हूँ आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।